सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज प्रभु ने एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि शाम को यहाँ जो सत्संग होता है, इसमें हम पवित्र बाइबल से, बाइबल के अलग अलग अध्यायों और श्लोकों को खोलकर उसका अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के पीछे कई लक्ष्य हैं, जिसमें एक लक्ष्य यह है कि हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने सृष्टा प्रभु के साथ एक अंतरंग संबंध में आ सके। मनुष्य के लिए ये जरूरी है कि मनुष्य की सृष्टि, जिस सृष्टा ने की है, उस सृष्टा के साथ एक अंतरंग संबंध बन जाए। इस संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, तब भी समाज में जब तक दूसरों के साथ आपसी संबंध नहीं बनते हैं, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होता है। बच्चा जब छोटे उम्र में स्कूल जाता है, तो हर बच्चा अपनी पसंद के अन्य बच्चों को जाने अनजाने ढूंढ निकालता है, उनसे दोस्ती करता है। कच्ची दोस्ती भी होती है, पक्की दोस्ती भी होती है, ऐसी भी दोस्ती होती है जो अटूट होती है, जो पहले क्लास में आरंभ होकर सारे स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी ब्याह के बाद आदमी जब जीवन में सेटल हो जाता है, उसके बाद भी वो दोस्ती चलती रहती है। इस तरह के आपसी रिश्ते हमारे जीवन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण, बहुत अधिक अर्थ से भरा हुआ और बहुत अधिक आनंदमय बना देते हैं। ये स्वभाव मनुष्य को, मनुष्य के सृष्टा प्रभु ने ही दिया है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ संगति में जीवन बिताए। लेकिन मनुष्य के सृष्टा ने एक काम और किया है, मनुष्य के जीवन में जिस तरह से वो अपने स्वयं के लोगों के साथ संगति चाहता है, उसी तरह से प्रभु के साथ भी संगति जरूरी है। यदि मनुष्य अपने संगी साथियों के साथ संगति की उपेक्षा करे, तो वो समाज से कट जाएगा, और समाज से जो व्यक्ति कट जाता है, वो समाज में एक अर्थपूर्ण जीवन नहीं बिता पाता। उसी तरह से जो अपने सृष्टा प्रभु से संगति नहीं करता है, या संगति की कोशिश नहीं करता है, या जो इस तरह के कार्य करता है जो सृष्टा के साथ संगति में बाधा डालते हैं या संगति को तोड़ देते हैं, तो उसका आत्मिक जीवन, उसके आत्मिक जीवन में जो अर्थ होता है वो समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उसका सांसारिक जीवन भी सही हो, आत्मिक जीवन भी सही हो, और उसके लिए ये जरूरी है कि सांसारिक आपसी जो संबंध है वो भी रहे, आत्मिक जो आपसी संबंध है वो भी रहे। जब हम नौकरी करते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, समाज में रहते हैं, तो आपसी मनुष्य के साथ संबंध बन जाते हैं। जब हम इस तरह के सत्संग में एकत्रित होते हैं, तब प्रभु के साथ हमारे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। इस कारण सभी भाई बहन लोग नियमित रूप से आते रहें, क्योंकि जब तक है जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नंबर एक है प्रभु को, नंबर दो है मौत को। आज प्रभु के वचन को खोलकर उसमें से एक भाग का अध्ययन करेंगे। ये प्रभु की जीवनी जिन चार लोगों ने लिखी थी, उसमें से तीसरी जीवनी में हमको मिलता है। उस जीवनी का नाम है लूका। प्रभु के परम अनुयायी थे वैद्य लूका। वैद्य लूका ना केवल प्रभु के परम अनुयायी थे,
बल्कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। प्रभु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले लोगों से कहा था, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन मेरे जाने और मेरे वापस आने के बीच में जो समय है, यह समय तुम दो कामों में निकालना। नंबर एक, आपस में संगति। नंबर दो, मैं मनुष्य जाति के लिए जो नया जीवन लाया हूँ या नए जीवन का संदेश लाया हूँ, ये संदेश जाकर सारी दुनिया में सबको सुनाना। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु के शिष्यों ने प्रभु की इस आज्ञा को पूर्ण करना शुरू किया। ये जो महान वैद्य लूका थे, इनको लगा कि 3.5 साल में प्रभु ने इस संसार में जो कुछ किया है उसका एक बहुत ही एक्यूरेट, सही रिकॉर्ड होना चाहिए। और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन एक डॉक्टर जब लिखता है तो वो अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से देखता है, अलग तरीके से लिखता है। जब कोई आदमी लंगड़ा कर सत्संग में आता है तो मैं और आप देखते हैं तो मुझे और आपको लगता है कि अरे बाप रे, बेचारा लंगड़ा रहा है। डॉक्टर जब उसको देखता है तो डॉक्टर को एकदम से लगता है कि अरे ये तो मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। और सत्संग के बाद यदि मौका मिले तो उसका हाथ या टांग पकड़ के खींच खांच के एक आध दो लात मार के खड़ा हो जाए जब बोलते हैं, तो उसके जो मसल आपस में खींचे हुए थे वो सब ढीले हो जाते हैं और जो लंगड़ाते हुए आया था वो दौड़ते हुए वापस जाता है। फर्क है। एक इंजीनियर जब एक पुल को देखता है, एक लॉयर या वकील जब एक गिरफ्तार व्यक्ति को देखता है और एक डॉक्टर जब एक मरीज को देखता है तो फर्क होता है। तो प्रभु यीशु के की जीवनी जिन लोगों ने लिखी थी उसमें से एक डॉक्टर ने जीवनी लिखी है जो प्रभु यीशु की सबसे लंबी जीवनी है। उसमें एक मरीज की घटना के ऊपर 5वें अध्याय में प्रकाश डाला गया है, जिसका अध्ययन करना हमारे आत्मिक जीवन के लिए उपयोगी होगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में हम पढ़ते हैं, लूका 5:17 में, ऐसा हुआ कि प्रभु उपदेश दे रहे थे, व्यवस्थापक वहां बैठे थे, मतलब जो नियम कानून बनाते हैं, फरीसी भी बैठे थे, मतलब यहूदियों के धर्म के जो बहुत ही बड़े पंडित थे। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए। देखिए, लकवा एक ऐसा रोग है जो आदमी को बिल्कुल चलने फिरने से मजबूर कर देता है। आज भी है, आज से 2000 साल पहले भी था, आज से 6000 साल पहले भी था। जो लोग इस रोगी को खटिया पर डाल के प्रभु के पास लाए थे, वे लोग इस बात को जानते थे कि बस प्रभु की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाए, प्रभु की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। प्रभु के 3.5 साल के जीवन में प्रभु ने हजारों बल्कि 10,000 लोगों को ना केवल एक नया जीवन दिया बल्कि रोगों से मुक्ति भी दी थी, मृत्यु से मुक्ति भी दी थी। और इन घटनाओं को जब हम देखते हैं तो अलग अलग घटना में अलग अलग तरीके से है। एक घटना में एक स्त्री चुपचाप आके उसने प्रभु के वस्त्र को स्पर्श किया और पूर्ण रूप से चंगा हो गई। एक घटना में जब प्रभु जा रहे थे, अंधे थे, बस उनको पता चला कि प्रभु गुजर रहे हैं तो उन्होंने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने रुक कर चंगा किया। कुछ घटना में हम देखते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे थे, वो व्यक्ति तो जो मर चुका है वो तो प्रभु से विनती नहीं कर सकता,
लेकिन उसको देखकर, उसके परिवार को देखकर प्रभु को दया आई, प्रभु ने कहा रुको और जाकर उसको पुनर्जीवन दिया। लाजर नाम के व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ कि वो इतना बीमार हो गया कि उसके घर वालों ने प्रभु को बुलवा भेजा कि हे प्रभु आकर चंगाई दीजिए, लेकिन प्रभु जानबूझकर और रुक गए, क्योंकि प्रभु एक अद्भुत तरीके से उस परिवार के जीवन में कार्य करना चाहते थे। तो प्रभु यीशु का जीवन हम देखते हैं, 3.5 साल का उनका सेवा काल था, 30 साल की उम्र से 33.5 साल की उम्र तक का जो सेवा काल था, इस सेवा काल में जितने लोगों ने उनसे मुक्ति की याचना की, हर व्यक्ति को प्रभु ने मुक्ति या उद्धार प्रदान किया, कोई कंडीशन नहीं रखा। हे प्रभु मुझे उद्धार दीजिए, जिसने भी कहा प्रभु ने उसको उद्धार दिया। और उसका सर्वोत्तम उदाहरण है जब प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया तो प्रभु के अगल बगल में दो लुटेरे भी, दो हत्यारे और लुटेरे भी टांग दिए गए थे। उसमें से एक ने सिर्फ इतना कहा कि हे प्रभु मुझे याद करें, मुझे याद रखिएगा, आप जब अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखिएगा। बस देखिए, लोगों को ये लगता है कि प्रभु जबरदस्ती लोगों को अपने से दूर रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु तो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग प्रभु के पास पहुँचे उतना ही अच्छा है, और प्रभु तो हर व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और इसलिए जब उस लुटेरे ने कहा कि हे प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तब मुझे स्मरण रखें, इतना ही कहा, प्रभु ने कहा तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। उस प्रभु के पास आज जो घटना हम देखते हैं, इस घटना में एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो आंखों से देख सकता था, ना तो जीभ से बोल सकता था, ना चल फिर रख सकता था, ना ही किसी तरीके से प्रभु से अपनी जरूरत के बारे में याचना कर सकता था। मन ही मन उसको विश्वास था कि यदि किसी तरह से कोई व्यक्ति मुझे प्रभु के पास ले जाए तो प्रभु निश्चित रूप से मुझे चंगाई देंगे। ऐसे एक व्यक्ति को खटिया पे डाल के वो लोग लाए, वहाँ लिखा हुआ है वे उसे भीतर ले जाने और प्रभु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। अरे प्रभु के पास जाने का उपाय क्या ढूंढना है, तुम लाए हो प्रभु के पास ले जाओ। लेकिन एक परेशानी थी, 19वें पद में हम देखते हैं भीड़ के कारण उसे भीतर नहीं ले जा सके। प्रभु जब इस संसार में पधारे उन्होंने शुरू के 30 साल एक सामान्य यहूदी के समान जीवन बिताया, माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप की जम के सेवा की। लेकिन 30 साल की उम्र में जब प्रभु एक बार सेवा कार्य के लिए निकल पड़े तो जितने लोगों ने प्रभु को देखा, जितने लोगों ने प्रभु के बारे में सुना, सब के सब समझ गए कि ये मनुष्यों के उद्धार करता हैं जो देह धारण करके संसार में पधारे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रभु को कभी फुर्सती नहीं मिलती थी, प्रभु से मिलने की कोई भी कोशिश करे हमेशा भीड़ उनको घेरे रहती थी। नया नियम या प्रभु की 4 जीवनियाँ जिसने भी पढ़ी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने प्रभु की 4 जीवनियाँ पढ़ ली होंगी, और यदि नहीं पढ़ी हैं तो आज मेरा एक अनुरोध भी है, बाइबल का उत्तरार्ध बहुत ही छोटे साइज में जानबूझकर इसलिए छापा गया है कि कोई भी व्यक्ति इसको आराम से अपने थैले में डालकर ले जा सके, क्योंकि प्रभु का वचन एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को रूपांतर प्रदान करती है। ये हम में से हरेक के घर में और प्रत्येक के कलेक्शन में होना जरूरी है। मैं ये इस घटना से मैंने ये बात प्रभु के वचन के बारे में ये बात सुनाई थी कि बाइबल के उत्तरार्ध में प्रभु यीशु की जीवनी उनके 4 अनुयायियों ने लिखी है।
इन चार जीवनियों को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जिससे कि प्रभु यीशु के जीवन के हर पहलू को आप अच्छी तरह से जान सकें। जब आप उन चार जीवनियों को पढ़ेंगे तब एक विशेष बात देखेंगे कि प्रभु का सेवा काल आरंभ हुआ नहीं कि प्रभु को भीड़ ने घेर लिया, और वो भी कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी। कम से कम दो जगह भीड़ की संख्या बताई है, एक जगह 5000 लोग थे, 5000 सिर्फ पुरुष थे, और जहाँ 5000 पुरुष हैं वहाँ मुझे लगता है 7-8000 स्त्रियाँ भी होंगी, और यदि इस तरह से 12000 यदि एडल्ट लोग हैं तो 1000-2000 बच्चे भी होंगे। इतनी भारी भीड़ प्रभु को घेरे रहती थी। एक और घटना में बताया गया कि 7000 पुरुष थे, तो आप जरा अनुमान लगाइए कि 7000 पुरुष यदि थे तो सारी भीड़ कितनी बड़ी होगी। हम लोगों ने इतनी बड़ी भीड़ जनरली अपने जीवन में नहीं देखी है, मैं बताना चाहता हूँ। और हर व्यक्ति प्रभु की वाणी सुनना चाहते था, उस समय लाउडस्पीकर नहीं होते थे, इस कारण हर व्यक्ति ये कोशिश करता था कि प्रभु के जितने पास पहुंचकर प्रभु की वाणी सुन सके। तो ये लोग उस मनुष्य को एक खटिया पे डाल के लाए तो किसी भी तरह से प्रभु के पास नहीं जा पाए। एक परेशानी और हो गई, प्रभु ने कई सारी शिक्षाएं पब्लिक में दी थी पहाड़ियों पर खड़े होकर। उस जमाने में पहाड़िया पर खड़े होकर यदि कोई व्यक्ति जोर से बोले तो आवाज दूर दूर तक पहुंच जाती थी, लेकिन आज जब इस लकवे के मारे हुए आदमी को लाए तो प्रभु एक भवन के अंदर थे और भवन के अंदर जनता ऐसे ठूस के भरी हुई थी कि खेच खांच के कम से कम उसमें से आधे लोगों को आप बाहर ना लाएं तब तक खटिया अंदर नहीं ले जा सकते। खेच के एक को अंदर से बाहर निकालेंगे तो दो अंदर ठस जाएंगे, ये उनकी समस्या थी। वो लोग चंगा ही चाहते थे। कोई एक व्यक्ति जाके प्रभु से कह देता कि प्रभु बाहर एक आदमी है जिसको आपके करुणा की जरूरत है, तो भी प्रभु चंगा कर देते, लेकिन वो अंदर कैसे जाते? कोई हटने को तैयार नहीं था। उन्होंने क्या किया, 19वें पद में छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अपन सब लोगों ने खपरेल वाले घर देखे हैं, गांव में अभी भी चलता है। मेरे बचपन में मैं भी जिस केरल में जिस गांव में था वहां खपरेल का घर था। खपरेल के घर के ऊपर चढ़ना खतरनाक काम है, लेकिन चढ़ के इतने खपरेल उन्होंने वहां से हटा दिए कि उस खटिया को रस्सी से टांग के नीचे प्रभु के सामने पहुंचा सके। प्रभु वहां शिक्षा दे रहे थे और प्रभु के साथ अगल बगल में यहूदियों के बीच एक से एक विद्वान बैठे थे। अचानक वो खटिया नीचे को आई, प्रभु उनके उनकी दिल की इच्छा को समझ गए। प्रभु ने यहां लिखा हुआ है उनका विश्वास देखकर उस आदमी से क्या कहा, बेटे तू चंगा हो गया उठ के चला जा। नहीं, प्रभु ने एक बात कही जो हमारे दिल को ताज्जुब से भर देती है। वहां लिखा है प्रभु ने उनका विश्वास देखकर उस बीमार से कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। उसको जरूरत थी शारीरिक चंगाई की, प्रभु ने उसको प्रदान किया आत्मिक चंगाई, या प्रभु ने उसको प्रदान की आत्मिक चंगाई। क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। हम में से हर व्यक्ति जब शरीर में अस्वस्थ होता है, कौन है जो शरीर में अस्वस्थ नहीं है? हर कोई अस्वस्थ होता है। जब हम शरीर में अस्वस्थ हो जाते हैं तब हमको लगता है कि शरीर की चंगाई, शरीर का स्वास्थ्य, दर्द से मुक्ति, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। एक्चुअली बड़ी जरूरत है लेकिन सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, ये अंतर हम समझ लें। ये जो लकवे का मारा हुआ आदमी आया था उस व्यक्ति के लिए चंगाई उसके जीवन की बहुत बड़ी जरूरत थी,
लेकिन सबसे बड़ी जरूरत नहीं थी, सबसे बड़ी जरूरत थी पाप से मुक्ति की। लेकिन वो मुंह खोल के बोल नहीं सकता था, वो तो लकवे का मारा हुआ था, लेकिन वो मन ही मन प्रभु पर विश्वास करता था। यहां लिखा हुआ है प्रभु ने उसका विश्वास देखकर, मन ही मन वो प्रभु पर विश्वास करता था कि ये मुक्तिदाता हैं। देखिए, किसी ने प्रभु को छुआ, चंगाई दी, प्रभु ने, किसी ने याचना की, प्रभु ने उसको चंगाई दी, शारीरिक चंगाई। किसी ने सूली पर टंगे टंगे कहा कि प्रभु मुझे स्मरण करना, प्रभु ने उसको मुक्ति प्रदान की। यहां ये ना तो प्रभु को छू सकता था, ना मुंह खोलकर प्रभु से बोल सकता था, मन ही मन विश्वास करता था, तुरंत प्रभु ने उसको पाप से मुक्ति प्रदान की। हम सब जानते हैं कि लकवे के मारे हुए व्यक्ति को शारीरिक चंगाई जरूरी है, लेकिन प्रभु ने इस घटना के द्वारा हम सबको ये बात याद दिलाने की कोशिश की है कि हमको शारीरिक चंगाई से भी ऊपर आत्मिक चंगाई की जरूरत है। आज शाम को आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सब से ये प्रश्न पूछने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, कितने हफ्तों से, कितने महीनों से, कितने सालों से आप इस सत्संग में आ रहे हैं, ये संदेश सुन रहे हैं, आपको ये बात बार बार बताई जा रही है कि आत्मिक चंगाई या मुक्ति की जरूरत है। इतनी बार सुनने के बाद क्या आज इस सत्संग में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, जिसने ये आत्मिक रूप से पाप क्षमा और मुक्ति नहीं पाई है? यदि इस तरह का कोई व्यक्ति यहाँ है तो आज फिर से मेरा अनुरोध है कि इस सभा के बाद, चाय पानी के बाद मुझसे आकर मिल लें और इस बारे में बातचीत करें। मैं आपको और समझाऊंगा, मैं प्रार्थना करने में आपकी मदद करूंगा, जिससे कि आपको पाप क्षमा और जीवन में मुक्ति मिल सके। प्रभु जानते थे कि लकवे के मारा हुआ ये जो आदमी प्रभु के सामने पड़ा हुआ है, इसको पाप क्षमा की जरूरत है। प्रभु इस बात को, प्रभु तो सर्वज्ञानी है, प्रभु ये भी जानते थे कि उसको ना केवल शारीरिक चंगाई बल्कि आत्मिक चंगाई चाहिए। तो प्रभु ने सबसे पहले तो कहा तुझे आत्मिक चंगाई मिले। प्रभु ने उसके लिए जो वाक्य जिसका उपयोग किया, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अचानक वहां पे जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे थे वो सब चौंक गए। क्यों? आम जनता प्रभु पर विश्वास करती थी, लेकिन उस समाज के जो बड़े विद्वान थे वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और इसलिए प्रभु के सामने, प्रभु का आदर करने, प्रभु पर विश्वास करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अरे ये कौन है जो पाप को, पाप क्षमा करता है? आगे लिखा हुआ है, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो ईश्वर की निंदा करता है? प्रभु को छोड़कर कौन पापों को क्षमा कर सकता है? इस बात को याद रखें, वहां जो आम जनता थी, विवाद उनके बीच में नहीं हुआ। वे लोग तो जानते थे कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये जो वहां बड़े पंडित लोग बैठे हुए थे, ज्ञानी लोग बैठे थे, ये अपने ज्ञान के घमंड में प्रभु कौन है ये नहीं समझ पाए थे। तो अचानक वो बोली, अरे पाप को तो सिर्फ ईश्वर ही क्षमा कर सकते हैं। तब प्रभु ने एक और काम किया, प्रभु ने कहा तुम अपने मन में क्यों इस तरह से वाद विवाद कर रहे हो? फिर कहा, अच्छा एक बात बताओ, किसी आदमी से क्या कहना सरल है? ये 23वें पद में है, किसी आदमी से क्या कहना सरल है, मतलब लकवे के आदमी से क्या कहना सरल है? दो वाक्य मैं आपके सामने रखता हूँ जो प्रभु ने कहा। पहला वाक्य, तेरे पाप क्षमा हो गए, ये कहना सरल है, या तू चंगा हो गया उठ के खड़ा हो जाए, ये कहना सरल है। पाप क्षमा हो गए ये कहना सरल है, क्योंकि पाप क्षमा हुए या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन तू चंगा हो गया उठ के खड़ा हो जाए, ये कहना कठिन है, क्योंकि यदि वो उठ के खड़ा नहीं हुआ तो सब लोग हंसी उड़ाएंगे, आ हा 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 तुम तो चंगा ही दे रहे थे ना, तुम तो कह रहे थे ना कि तुम चंगे हो गए उठ खड़े हो जा रहे, उठ खड़े होने का क्या, वो तो अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा है।
प्रभु ने कहा कि देखो पाप क्षमा हो गए, ये कहना सरल है, लेकिन मैं पाप क्षमा करने का अधिकार रखता हूँ, ये तुम्हारे सामने प्रदर्शित करने के लिए एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ जो न केवल कठिन है बल्कि जो मनुष्य के लिए असाध्य है। क्या असाध्य है? जो आदमी जुबान खोल के बात नहीं कर सकता, ऐसा लकवा उसको लगा है, उससे यदि कोई कहे कि खड़ा हो जा, एक बार नहीं 10,000 बार बोले कि खड़ा हो जा, 100 लाउडस्पीकर लगा के खड़ा हो जा, खड़ा होगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये कार्य सिर्फ सर्वशक्तिमान प्रभु, जिन्होंने मनुष्य की सृष्टि की है, सिर्फ वे कर सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम जान लो कि मैं कौन हूँ, उसके लिए अब मैं उसको आज्ञा देने वाला हूँ। प्रभु ने उसको आज्ञा दी, उससे कहा मैं तुमसे कहता हूँ उठो, अपनी खटिया उठाकर घर चले जाओ। प्रभु के वचन में क्या लिखा है इसको भी हम ध्यान दें। एक डॉक्टर ने लिखा है, इसलिए वो अपने हर शब्द तौल कर उसका उपयोग करता है। यहां लिखा है वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर प्रभु की स्तुति करता हुआ अपने घर चला गया। जो घटना आज मैंने आपके सामने प्रभु के वचन से रखी है, यह घटना हमको कई बातें सिखाती है। नंबर वन, मनुष्य की जरूरत पाप क्षमा की है। पाप क्षमा के लिए प्रभु ने स्वयं रास्ता खोल दिया है। प्रभु वो रास्ता बंद करके नहीं रखते, प्रभु वो रास्ता कठिन नहीं बनाते। प्रभु चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुक्ति पाएं, इसलिए चाहे सूली पर पड़ा हुआ व्यक्ति हो जो सिर्फ इतना कह पाया अपने दर्द के बीच में कि प्रभु मुझे स्मरण करना, या लकवे का हमारा वो व्यक्ति जो अपनी वाणी से कुछ भी नहीं बोल पाया, या ऐसे कई लोग जो प्रभु के पास गए और बोले कि प्रभु मुझे मुक्ति दीजिए, उनमें से हर व्यक्ति को प्रभु ने मुक्ति दी, बराबर मुक्ति दी, तुरंत मुक्ति दी, इसलिए कि प्रभु की इच्छा यह है कि संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति पाए, उद्धार पाए। उसके बाद उस व्यक्ति को शरीर में चंगाई चाहिए थी, जिसके लिए वो आया था प्रभु ने उसको शरीर में भी चंगाई प्रदान की, ये हम देखते हैं। और ये सब लोग इस बात को समझ सकें, उसके कारण जो आदमी शायद सालों से इस तरह से लकवे का मारा पड़ा हुआ था, वो ना केवल खटिया से उठा, ना केवल खटिया से नीचे उतरा, याद रखिए उसके दोस्तों ने उसे वापस नहीं खींचा, वो खटिया से उतरा, उन्होंने रस्सी नीचे डाल दी और बाकायदा वो खटिया उठाई और बाहर गए, ऐसा यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है। ये मुझे और आपको एक और बात बताता है, और वो ये है, प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। उसको लकवे से चंगाई चाहिए थी, प्रभु ने चंगाई दी। मुझे और आपको हमारे जीवन में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य चाहिए, चंगाई चाहिए, नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई या बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, 50 बातें हैं। मनुष्य रोटी कपड़ा मकान इसके लिए तरसता है, और जब तक ये तीनों चीज़ें उसको नहीं मिल जाती तब तक वो जीवन में व्याकुल रहता है। यहाँ इस व्यक्ति को ना केवल आत्मिक रूप से प्रभु ने चंगाई दी बल्कि शारीरिक रूप से चंगाई दी, और लोग हैरान हो गए, ऐसे चंगाई दी। ये मुझे और आपको ये बात याद दिलाता है कि हमारी हर ज़रूरत प्रभु पूर्ण करते हैं। हमको ना केवल हमारे जीवन में मुक्ति प्रदान करते हैं बल्कि स्वास्थ्य, चंगाई और जीवन में हर चीज़ प्रदान करते हैं। आज शाम को प्रभु की वाणी जो लोग सुन रहे हैं, इनमें से हर व्यक्ति की जरूरत अलग है, अलग अलग जरूरत है। प्रभु जो सर्वज्ञानी हैं वे आपके मन को जानते हैं, लेकिन प्रभु ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ बाप से जाके
अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, डैडी मुझे पेंसिल दिला दीजिए, मुझे बस्ता दिला दीजिए, कॉपी दिला दीजिए, किताब दिला दीजिए, आज तो डैडी टॉफ़ी खाने की इच्छा हो रही है, टॉफ़ी दिला दीजिए। ऐसे ही प्रभु को भी अच्छा लगता है जब हम जाकर प्रभु से याचना करते हैं, और प्रभु को तब भी अच्छा लगता है जब प्रभु हमें कोई चीज़ प्रदान करते हैं, तब हम प्रभु के प्रति आभार प्रकट करें। आज शाम को आपकी ज़रूरत क्या है? मैं नहीं जानता, ना ही मुझे जानने की ज़रूरत है, ना ही मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन आज शाम को ये भाग मैंने आपके सामने जानबूझकर इसलिए खोला कि मैं आप में से हर व्यक्ति को बता सकूं कि हम में से ज़्यादातर लोग जो आज इस सत्संग में हैं, ये लोग अपने घर बार को छोड़कर, अपने गांव और अपने लोगों को छोड़कर, अपने साथियों दोस्तों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाकर सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की मदद चाहिए, जिससे कि हम रोटी कपड़ा और मकान के इंतजाम अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए कर सकें। और इस कारण आज हो सकता है आप किसी न किसी एक ज़रूरत से होकर गुजर रहे हों। शायद आपको बता दिया गया है कि महीने भर के बाद आप और कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, शायद परिवार से खत आया है या फ़ोन आया है, शादी होनी है, पैसे चाहिए, शायद फ़ोन आया है कि घर के पीछे मौके की ज़मीन बहुत सस्ती दे रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसे का इंतजाम करो। देखिए, जहाँ 50 लोग हैं वहाँ 100 प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, और इसलिए आपकी क्या ज़रूरत है मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी ज़रूरत को प्रभु जानते हैं। और आज आप जीवन में जिस ज़रूरत से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु ना केवल जानते हैं, प्रभु आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन एक पिता के रूप में प्रभु चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, आप उनसे याचना करें, जिससे कि प्रभु आपको प्रदान करें, जिससे कि आपका विश्वास मजबूत हो जाए कि हे प्रभु, मेरी एक ज़रूरत थी, ये असंभव ज़रूरत थी, मैंने उस ज़रूरत को ले जाकर आपके चरणों में डाल दी, आपने मेरी ज़रूरत पूरी की, और इस कारण प्रभु आपके ऊपर मेरा विश्वास और बढ़ गया है। प्रभु के वचन को क्लोज करने से पहले ये दोनों बातें फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है? नहीं तो अरे, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ऐसा कोई करता है क्या? क्यों कर रहे हैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़? आज ही प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लीजिए। इस विषय को नहीं समझते तो मेरे पास आइए, मैं समझाऊंगा। नंबर दो, आज जितने भाई और बहन यहाँ एकत्रित हुए, हर एक के जीवन में अलग अलग जरूरत है, अलग अलग जरूरत है, हम उन जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु के पास जाए, प्रार्थना कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारी प्रार्थना से आपको मदद मिलेगी तो हमको आकर बताइए, मैं भी व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करूंगा। इसलिए आपकी जो भी ज़रूरत है वो प्रभु के चरणों पर डाल दीजिए, और यदि आपको लगता है कि हम में से कोई उस बात के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करे तो आपको मदद मिलेगी तो हमको भी बताइए, हम आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे। यदि आपको लगता है कि आप मेरे साथ खड़े होकर मैं आपके लिए विनती करूँ, या आप सुनना चाहते हैं, आइए मेरे पास, मैं आपके लिए निश्चित रूप से प्रभु से विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा। इन सब बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करें।